Hello friends, welcome to Study with Harshit. Today I am going to share with you difference between open system and closed system. This is the part 11 of most important question and answer series, subject information system analysis design and implementation. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ओपन एंड क्लोज सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है. ये हमारा पार्ट 11 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का. तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम. सबसे पहले हम समझते हैं ओपन सिस्टम क्या है. एन ओपन सिस्टम इज वन दैट कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एनर्जी एंड मैटर विद इट्स सराउंडिंग. जो हमारा ओपन सिस्टम होता है वो कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज करता है इंफॉर्मेशन का एनर्जी का और मैटर विद इट्स सराउंडिंग उसकी सराउंडिंग से. इट कैन डिस्चार्ज आउटपुट इन टू द एनवायरमेंट एंड इज ओपन टू इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट. ये जो है इनपुट एंड आउटपुट एनवायरमेंट में आउटपुट देना और एनवायरमेंट से इनपुट लेना दोनों चीज करता है. ओपन सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग. जो हमारा ओपन सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है अपने सराउंडिंग से एंड आर डायनामिक एंड एडेप्टिव. और ये जो है हमारा ओपन सिस्टम ये डायनामिक होता है और एडेप्टिव होता है. दे हैव द कैपेसिटी टू अडेप्ट देयर इंटरनल वर्किंग इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज एंड प्रिजर्व ए स्टेबल स्टेट. इसमें ओपन सिस्टम में कैपेसिटी होती है अडेप्ट करने की इंटरनल वर्किंग इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट चेंज. जो हमारे एनवायरमेंट पे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की और प्रिजर्व करने की एक स्टेबल स्टेट. की फीचर्स ऑफ एन ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम के की फीचर्स क्या हैं. जो हमारा ओपन सिस्टम है इंटरेक्ट करता है एनवायरमेंट से और ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन एनर्जी और मैटर विद. ओपन सिस्टम जो है रेस्पॉन्सिव होता है टू एनवायरमेंट चेंजेस. इट कैन मेंटेन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू सेल्फ रेगुलेशन एंड एडेप्टेशन. इनपुट एंड आउटपुट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम. क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है. एक क्लोज्ड सिस्टम इज ए सेल्फ कंटेंड एंड डज नॉट एक्सचेंज मैटर और एनर्जी विद इट्स सराउंड. जैसा कि हम जानते हैं ओपन सिस्टम में जो हमारी एनर्जी होती है मैटर होता है सब चीज एक्सचेंज होती है सराउंडिंग से. बट जो हमारा क्लोज सिस्टम है इसमें सेल्फ कंटेंड होता है और ये किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं करता है मैटर एनर्जी किससे उसकी सराउंडिंग से. इट इज आइसोलेटेड. ये जो है आइसोलेटेड है किससे फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली और ये ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली. इन ए क्लोज सिस्टम द इनपुट एंड आउटपुट आर कंस्ट्रेंड एंड हैव नो इम्पैक्ट ऑन हाउ वेल द सिस्टम वर्क. जो हमारा क्लोज सिस्टम है इनपुट और आउटपुट जो है कंस्ट्रेंड है और इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है इन पर किस कैसा जो है हमारा आउटपुट सिस्टम किस तरीके से वर्क कर रहा है. की फीचर्स ऑफ ए क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम के कुछ की फीचर्स हैं. जो हमारा क्लोज सिस्टम होता है ये आइसोलेटेड होता है और ऑपरेट होता है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट. इसमें किसी भी तरीके का एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी नहीं होता है अपनी सराउंडिंग से. जो इसका इनपुट और आउटपुट है वो लिमिटेड होता है और ये जो है डू नॉट इम्पैक्ट द सिस्टम फंक्शनल. ये किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं डालता है सिस्टम के फंक्शन पर. स्टिल मे स्टिल अंडरगो इंटरनल प्रोसेस एंड चेंजेस. ये था हमारा क्लोज सिस्टम की फीचर्स. ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सिस्टम. आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. इस सीरीज में हमारे 15 वीडियोस अवेलेबल हैं. आप सभी को जरूर करें. इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित को सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.